यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब समेत 15 राज्यों में बीते 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये दौर अभी नहीं थमने वाला। बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों में जल भराव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, तो वहीं घरों में पानी भर जाने से लोग भारी परेशानी में हैं। ये बारिश आम आदमी की जेब पर भी भारी पड़ती दिख रही है। बारिश में महंगी होती सब्जियां किचन का बजट भी बिगाड़ रही हैं, जबकि ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होने से खाने पीने की तमाम चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। ज्यादातर सब्जियां 100 रुपए किलो तक बिक रही हैं, जबकि टमाटर की कीमत अभी और बढ़नी तय है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि टमाटर का थोक भाव 150 रुपए प्रति किलो तक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। सब्जियों की ऊंची कीमतों के कारण उपभोक्ता दालों की ओर रुख कर रहे हैं। दाल के भाव पहले से काफी बढ़ चुके हैं, मांग बढ़ने से दाल के दाम में और इजाफा हो सकता है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते भारी बारिश हो रही है। पहाड़ों में बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड के चलते कई प्रमुख सड़कें बंद होने से पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक फलों और सब्जियों का ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी के व्यापारी का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर टमाटर का थोक भाव 140 से 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ सकता है। टमाटर की फसल में बीते साल किसानों को तगड़ा झटका लगा था। फसल के सही दाम न मिलने की वजह से किसानों ने इस बार टमाटर की फसल कम लगाई। उत्पादन में गिरावट की वजह से इस सीजन टमाटर के दामों में राहत मिलना मुश्किल है। इस साल कर्नाटक में भी टमाटर की फसल कम हुई है, इसलिए वहां से आने वाला टमाटर भी महंगा तय माना जा रहा है। यानी आने वाले वक्त में उपभोक्ताओं की थाली से टमाटर दूर ही रहेगा।